Hi guys, welcome back to my channel. My name is Farona. How are you? Hope आप सब लोग fine हो. और आपने मेरी लास्ट भाटिया बीच की वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. आप लोग वहाँ पर जाके देख लेना. और आज के इस वीडियो में मैं आरेवारे बीच को एक्सप्लोर करने वाली हूँ. और ये एक और बीच है, रत्नागिरी का लार्जेस्ट बीच है. और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. अभी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो है आरे बीच, और माउंटेन के वो साइड में है, वो साइड में है वारे बीच. और गाइस अभी मैं आरे बीच पे खड़ी हूँ और अभी बज रहे हैं 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं. और अभी जस्ट मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आई हूँ. तो वहाँ पर सुरु नाम की ट्रीज है. सुरु ट्रीज के नीचे अभी मैं अपने फैमिली के साथ लंच ऐसा करूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी और आपको वीडियो में एक्सप्लोर भी करूँगी आरे बीच को. तो अभी हम लोग आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं और यहाँ पर एक आंटी अपना स्टॉल लगा के है. और इनके यहाँ पर नारियल पानी ऐसा मिलता है और ये लोग यहाँ पर भेज के अपना पेट भरते हैं. और ये आंटी सुबह के 9 बजे से रात के 7 बजे तक रहते हैं. ये बहुत मेहनत करते हैं. और अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो प्लीज इनके पास से कुछ खाने को लीजिए और इनको सपोर्ट और हेल्प भी कीजिए. और गाइस सॉरी को वहाँ पर मेरी फैमिली वेट करती है, मेरे लिए वेट करती है. तो अभी मैं जाती हूँ. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके करो. तो अभी मैं जाती हूँ, लेट्स गो. गाइस आरे वारे जाने के लिए हमको पर्टों में होके जाना पड़ता है. और उसके आगे हमको शिरगा विलेज मिलता है. और उसके आगे हमको साकर तक ब्रिज मिलता है. और इसके दोनों साइड में हमको फिशिंग बोट्स मिलते हैं. और यहाँ पर एक छोटा सा साकर तक विलेज भी है जिसकी वजह से इस ब्रिज को नाम दिया था साकर तक ब्रिज. और इसके आगे हम लोग जाएंगे तो हमको यहाँ पर एक बड़ा सा बनियन ट्री मिलता है. और यहाँ पर ही दूरी दूरी पे आम के सीजन में आम वाले बेचने आते हैं सेल करने. और यहाँ पर साइन बोर्ड भी है. तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मेरी फैमिली है. और ये देखिए यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की उनके साइड में, हमारी गाड़ी के साइड में यहाँ पर एक और फैमिली है जो कि अपना खाना पका रही है. हमने तो खाना अपना घर पे से पका के आए थे लेकिन ये लोग अभी पका रहे हैं. ये देखिए आप लोग कहाँ से हो? चिपलून से है, मुरादपुर से आए हैं. तो लोग शिवाजी नगर पे आए हुए, तो मेहमान आए हुए उनको इधर लेके आए गणपति पुले के बाद ये घूमने के लिए आए. ओके, तो इन अंकल ने बहुत कुछ बोला है. थैंक यू, वेलकम. हम लोग इन ब्यूटीफुल से सुरु ट्रीज के नीचे बीच में बैठे ले हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं. और हम लोग ये लंच घर पे से लेके आए थे, मेरी मम्मा ने बिरयानी बनाए थे. तो ये देखिए यहाँ पर है चिकन बिरयानी और यहाँ पर है पानी, पापड़, पानी भी बहुत सारा है हम लोग के पास. और यहाँ पर है कुचुम्बर. तो अभी हम लोग सब कुछ खाने वाले है और बहुत डिलीशियस फूड है. और आपको चाहिए आप लोग का मेरे साथ खाना खाने, तो अभी मैं खाती हूँ. लेट्स ईट. यम यम यम, बिस्मिल्लाह.
हम लोग लंच करने के बाद यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे और सोने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पर नींद नहीं आई क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीज भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। और हम लोग यहाँ पर सोने को और रेस्ट करने को 3-4 घंटे से ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपको तो ये भी पता होगा भाटिया बीच के लास्ट वीडियो में वहाँ पर बहुत हवा थी और हम लोग का गिम्बल भी बहुत हिल रहा था, प्लस हम लोग का जो माइक है उसको भी हम लोग ने बैकग्राउंड की आवाज नहीं आनी चाहिए इसलिए सेटिंग्स को ऑन किए थे उसके माइक के सेटिंग्स को, और लेकिन फिर भी हवा की बहुत आवाज आ रही थी और मैं जो बोल रही थी उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी सीधे से, लेकिन यहाँ पर तो हवा भी नहीं है ना के बराबर है यहाँ पर हवा, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने पूरी फैमिली के साथ सामान ऐसा लेकर जाऊंगी आरे बीच पे सब, और आपको एक्सप्लोर करूंगी, और मैं अभी आरे वारे पॉइंट पे और वारे बीच पे भी जाऊंगी और वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करके मेरे फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर मेरे भाई ने बड़े भाई ने डांस किया था मचाएंगे गाने पे, और वो बहुत अच्छा भी हुआ था डांस, उसने बहुत अच्छा किया था, और उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगी, आप लोग जाके वहां से देखना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और गाइस ये देखिए ये जो बीच है वो भाटिया बीच के तरह तो क्लीन नहीं है इतना ज्यादा भी, लेकिन है थोड़ा ठीक ठाक अच्छा भी है, और ये तो भाटिया बीच के तरह ही लंबा भी है वो देखिए शुरू नाम के ट्रीज भी ऐसे ही सब लगाए ले है भाटिया बीच के तरह, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीप लाइन भी है आईली। फ्रेंड्स मैंने अपने बहन के साथ बहुत एंजॉय किया और मैं अभी यहाँ पर बहुत एंजॉय भी की हूँ, तो अभी मेरे को जाना है आरे वारे पॉइंट पे क्योंकि वहां से हमको सनसेट भी लेना है और अभी तो शाम होने आई है, तो अभी हम लोग आरे वारे पॉइंट पे जाएंगे वहां से सनसेट देखेंगे और वारे बीच पे भी शायद से जाएंगे, तो चलिए जाते हैं। फ्रेंड्स जैसे गॉड ने हमको ब्रेन दिया है वैसे ही क्रैब्स मतलब जो केकड़े बोलते हैं उनको भी गॉड ने दिमाग दिया है, कलाकारी देखो उनकी, ये जो छोटे छोटे आप बॉल्स देखते हैं ये सब क्रैब्स ने बनाए हैं और वो छोटे छोटे सैंड के बॉल्स बना के खेलते रहते हैं, और ये जो होल देख रहे हो ना आप बीच बीच में वहाँ पर उसके अंदर रहते हैं क्रैब्स, तो देखो गॉड ने भी ब्रेन दिया है हर एक जानवर को। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अम्यूजमेंट पार्क ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैमल राइडिंग है और यहाँ पर है बुल कार्ट राइडिंग, और यहाँ पर ज्यादा पब्लिक भी नहीं है क्योंकि ये सिटी से बहुत दूर भी पड़ता है, और यहाँ पर स्विम भी कर रहे हैं ये देखिए पब्लिक पूरा स्विम ऐसा कर रही है और एंजॉय भी कर रही है, ज्यादा टूरिस्ट लोग भी नहीं है यहाँ पर, लोकल्स और टूरिस्ट लोग दूर भी है बहुत इसलिए, और ये वहाँ पर देखिए वहाँ पर जिप लाइन शुरू होती है, वहाँ पर जिप लाइन का स्टार्टिंग है और वहाँ पर है जिप लाइन का एंड, वो देखिए यहाँ पर से अभी आ रहे है, और वो देखो अभी ये यहाँ पर से पूरा ऐसा जाएगा और वहां पर खत्म होएगा, वो देखो वहां पर जो व्हाइट कलर का फ्लैग दिख रहा है ना वहां पर वो देखो, और इस साइड में हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी हमको जाना है आरे वारे पॉइंट पे, तो अभी मैं अपने फैमिली के साथ आरे वारे पॉइंट पे जाती हूँ और वारे बीच पे भी जाते हैं, तो चलिए अभी जाते हैं।
यहाँ पर से आ रहे बीच पे से, और अभी हम लोग माउंटेन पे गए हैं पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं आरे वारे पॉइंट। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा सनसेट हो रहा है, और बहुत प्यारा सा व्यू भी है। वेव्स भी ऐसे फास्ट आ रहे हैं और स्टोन को टकरा रहे हैं स्टोन से, और कितना अच्छा भी दिखता है। और यहाँ पर पब्लिक अपने फोटोज और शॉर्ट्स ऐसे भी लेने आते हैं, और यहाँ पर स्टॉल्स भी है। अभी हम लोग वहाँ पर जाते हैं, ऐसे बहुत आगे तक है, तो मैं इन आंटी को कुछ पूछती हूँ। आंटी आपके इधर क्या क्या मिलता? वेल मैगी, कोकम ऑयल, शरबत, कोकम, लींबू, आंवला, कैरी पना, चा, बिस्किट, कॉफी। तो ये सब इनके इधर खाने को मिलता है। नाम क्या है आपका? वर्षा विनायक वारेकर। वर्षा विनायक वारेकर इनका नाम है, और बहुत अच्छा भी है। अगर आप लोग आओगे तो इनके इधर खरीदने आओ। आप किधर से हो? वारे ब्रिज। वारे ब्रिज। गाइस ये देखिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए हैं, और ये लोग इस पॉइंट पे बैठकर सीनरी का व्यू ले रहे हैं। और मैं इनको कुछ पूछती हूँ, आप कहाँ से हो? अखलूत से है। और आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम नाम है इनका। और आपको कैसा लगता है यहाँ पर आने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये जो खा रहे हो कोकोनट जो खा रहे हो वो कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, थैंक यू। हम लोग ने अभी कोकम शरबत ऑर्डर किए, तो अभी हम लोग वो भी खाएंगे। ओके तो ये देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ये देखिए। वाव, यम्मी यम्मी यम्मी, कितने अच्छे से बना रहे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, दो ग्लासेस को जॉइन करके मिक्स कर रहे हैं। और वाव ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए एक और बना रहे हैं, मिक्स 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 मिक्स। और ये एक और। तो फ्रेंड्स ये देखिए लाइव का पूरा खत्म भी हो गया है। तो लाइव में पूछी लाइव कैसी थी शरबत? अरे बस कर, कितनी थी, कैसी थी? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। अभी मैं भी पी रही हूँ। हम लोग हमारा स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा हम लोग ने 12 बजे हमारा लंच किया था, तो इसलिए हमको भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्नैक्स खा रहे हैं। और स्नैक्स में भी हमारे पास ये करवंदे है, और यहाँ पर ये
सोडास है, ये जीरा है, ऑरेंज है, और यहाँ पर हमारे पास चिप्स है, क्रीम एंड ऑनियन, चीज का चीज फ्लेवर, और इसको बोलते हैं ब्लैक करंट इंग्लिश में। तो अभी मैं अपने फैमिली के साथ खाने वाली हूँ। तो लाइफ, आपको कौन सा चिप्स चाहिए? ये चलो खाते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आरे वारे पॉइंट्स आए हैं वारे बीच पे, और ये वारे बीच पे ज्यादा भीड़ नहीं है, पब्लिक ऐसी नहीं है, जो लोकल्स है वो ही दिख रहे हैं, टूरिस्ट तो दिख रहे ही नहीं है ज्यादा। और हम आपको पता है ये जो वारे बीच है वो तो ज्यादा जन को मालूम ही नहीं है, और ये हिडन बीच की तरह हो जाता है, और जो आरे बीच है ना उसको आरे वारे बीच भी समझ लेते हैं लोग, और फिर यहाँ पर तो ज्यादा पब्लिक आती ही नहीं है। तो अभी मेरी बहन वहाँ पर है, तो मैं उसके साथ अभी खेलने जाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को भी लाइक करो। तो मेरी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।